सेकेंड है हमारी कॉमन पेरोनियन नर्व वो भी हमारे लेग्स में होती है जो कि हमें प्रोवाइड करती है सेंसेशन ओवर द पोस्टीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द लेग एंड नी जॉइंट ये जो जनरेट होती है सैक्रल प्लेक्सस वाया सियाटिक नर्व एल फोर एस टू सो सबसे पहले हम बताएंगे सियाटिक नर्व इसको हम इस्चियाटिक नर्व भी कहते हैं ये लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट सिंगल नर्व होती है ह्यूमन बॉडी में और इसकी जो बिगनिंग होती है वो लोअर पार्ट ऑफ द सेक्रल प्लेक्सिस प्रोवाइड करती है कनेक्शन टू द नर्वस सिस्टम नियरली होल द स्किन ऑफ द लेग मसल्स ऑफ द बैक थाई एंड दो लेग एंड फूट इसका पाथ होता है एल फोर एस थ्री एंड सेकेंड इज सेल प्लेक्सिस ये नर्व प्रोवाइड करती है मोटर एंड सेंसरीज नर्व फॉर द पोस्टीरियर थाई मोस्ट ऑफ द लेग फुट एंड पार्ट ऑफ द पेल्विस इट्स अ पार्ट ऑफ़ सेक्रल प्लेक्स एल फोर एंड एस फोर पाथ सो अब हम आपको बताएंगे कि पेरोनियन नर्व कैसे लेग्स को सप्लाई करती है सो so, पेरोन हमारी लेग्स में थ्री कंपार्टमेंट्स होते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट लेटरल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट तो हमारी जो पेरोनियन नर्व है वो सिर्फ टू कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है एंटीरियर एंड लेटरल जो हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसमें हमारी फाइव मसल्स आती हैं टीबियलिस एंटीरियर एक्सटेंसर हेल्यूसिस लोंगस एक्सटेंशन डिजिटोरियम लोंगस पेरोस एक्सटेंशन डिजिटोरियम बेविस जो हमारा लेटरल कंपार्टमेंट है इसमें टू मसल्स आती हैं पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस ओवरऑल सात मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं और सात मसल्स को सप्लाई करते हैं हमें देखना यह है कि पेरोनियन नर्व कौन से कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है कॉमन पेरोनियन नर्व के दो पार्ट होते हैं एक सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व जो सुपरफिशियल नर्व होती है वो लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी जिसमें हमारी टू मसल्स होती है एंड जो डीप नर्व पेरोनियल होती है वो सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट को जिसमें हमारी फाइव मसल्स होती हैं बेसिकली हम एनसी में इसको क्यों चेक करते हैं बहुत से पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं फुट ड्रॉप हो जाना नमनेस होना इसलिए हम एन में इसको चेक करते हैं सो so, ये था हमारा कॉमन पेरोरियल नर्व